हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रोशे से रोज़ फ्लावर बनाने सीखेंगे। ये है मेरा चैनल अंशुमन के धागे और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम ये आप देख भी रहे हैं कि कितना सुंदर फूल रखा हुआ है। सबसे पहले हम एक नॉट बनाएंगे और नॉट बनाकर हम अपना फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। ये हमारी नॉट तैयार हो गई है और ये फ्लावर चेन से शुरू होगा। यहाँ पर हम एक बड़ा फ्लावर बना रहे हैं जो बनेगा 101 चेन से। आप छोटा फ्लावर भी बना सकते हैं, आप 61, 71, 81, 91 कितने भी ये चेन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आज 101 चेन से ये फ्लावर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये 101 चेन बना रहे हैं। आप काउंट करें और उसमें 100 करके एक चेन और स्टार्ट करेंगे। तो जो हम चेन एक और बढ़ा रहे हैं वो हमारी स्टार्टिंग वाला फंदा बन जाएगा और फिर हम ये फूल बनाएंगे। ये फूल आपको देखने में कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप मेरे साथ साथ भी इस फूल को बना सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 101 चेन्स बनानी है, 101 चेन बनानी है। तो जितनी ज़्यादा चेन बनेंगी उतना ज़्यादा बड़ा और गठा हुआ फूल बनेगा। अगर आप छोटा फूल बनाना चाहते हैं तो आप कम चेन से शुरू कर सकते हैं। जब ये पूरी चेन हमारी बन जाएंगी तब हमारे 2 या 3 रोज में ये पूरा फ्लावर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 और 3 रो ही हमें बनानी है, तो बहुत ही आसान है, आप सब बना सकते हैं इसे। इसके यूज़ तो बेमिसाल है, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपनी साड़ी में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के हेयर बैंड में यूज़ कर सकते हैं, क्लिप्स में यूज़ कर सकते हैं, शॉल में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डेकोरेशन की कोई भी आइटम बनाए उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप तोरण बनाएं, बंदरवार बनाएं, थाल पोश सजाएं, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाला और बहुत ही आसान बनाने में ये फ्लावर। जब हमारी ये एक 101 चेन कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि एक धागा एक चेन में निकालेंगे और फिर उसको बुन देंगे। तो ये 101 चेन ये हमारी पूरी हो गई। तो पहली रो में हमें सिंगल क्रोशे करने हैं हर एक फंदे के। अब ये सेकंड रो है हमारी, पहले हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम फंदे काउंट करेंगे अपने, हमें स्किप करने 3 1 2 3 और फोर्थ में हम ये धागा अपना क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमें सारे पूरी लाइन बनानी है। हम 5 चेन लेंगे, 3 स्किप कर फोर्थ में हम अपना क्रोशिया डालकर और ये बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5, फिर हम यहाँ पर 3 स्किप करेंगे फंदे और फोर्थ में हम इंसर्ट अपनी क्रोशिया डालकर इसे सिंगल क्रोशे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 25 हमारे ये लूप्स बन जाएंगे, 25 लूप्स। और यही लूप हमारे आगे चलकर नेक्स्ट रो में हम अरे ये फ्लावर्स की पेटल्स बनेंगे, फूल की पंखुड़ियाँ बनेंगी ये। तो 101 है फंदे, यानी 100 है टोटल, तो यहाँ पर हमारे 25 लूप्स बन जाएंगे इस तरह से। सारे लूप तैयार होने के बाद ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए।
अब आखिरी के कुछ लूप रह रहे हैं, वही 5 चेन, 3 फंदे स्किप करने हैं हमें, 4th में हमें सिंगल क्रोशे करना है और उसको अटैच कर देना है। फिर 5 चेन और हम सिंगल क्रोशे करेंगे 3 स्किप करके 4th वाले में, और इस तरह से हमारी ये एक 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 करके ये 25 लूप्स हमारे तैयार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट रो जो हम शुरू करेंगे ये 25 लूप्स बनाने के बाद, अब हमारी ये लास्ट वाला रो होगा जिसमें कि हम ये पेटल्स बनाएंगे, यानी फूल की पंखुड़ियों को बुनेंगे। अब हमने इसको टर्न करा, टर्न करने के बाद हम पहला जो करेंगे वो सिंगल क्रोशे होगा। पहला ये फर्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके बाद हम एक चेन लेंगे और फिर इस लूप में हम 10 डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे आप धागा लेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 धागा डालेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, ऐसे हमें टोटल करनी है 10 डबल क्रोशे। आप काउंट करते जाइए, बनाते जाइए डबल क्रोशे, और ये हमारे 10 डबल क्रोशे होने चाहिए। 10 डबल क्रोशे जब ये पूरे हो जाएंगे तो हम ये देखिए ये हो गए पूरे। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी वाले लूप में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हुई हमारी एक पहली पंखुड़ी। दूसरी पंखुड़ी के लिए फिर हुई एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और फिर 10 डबल क्रोशे। ये 10 डबल क्रोशे जो है ये हमारी फूल की पंखुड़ियां बना रहे हैं। और जो हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं इसके बाद एंड करने पे या स्टार्टिंग करने पे, वो हमारी फूल की पंखुड़ी को एक गोलाई आकार दे देती है, जैसे कि आपके गुलाब के फूल में होती है। तो इस तरह से इस ये फ्लावर हमारा गुलाब का फूल या रोज़ फ्लावर बन जाता है। देखने में आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पर हमारी ये 10 डबल क्रोशे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे ये हमारी चेन, और फिर इसे ही पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट पेटल शुरू करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे से शुरू होगी और इस तरह से हम ये सारी पेटल्स अपनी कंप्लीट करेंगे। सारी पेटल्स कंप्लीट होने के साथ ही ये हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है याद रखने के लिए, सिंगल क्रोशे, एक चेन, 10 डबल क्रोशे, एक चेन, सिंगल क्रोशे, और ये एक एक करके हमारी सारी पेटल्स तैयार हो जाएंगी। तो टोटल हमारी 25 पेटल्स यहाँ पे बनेंगी। ये हमारी सारी पेटल्स तैयार हो गई, हमने धागा कट कर लिया। अब हम इसको फूल को रोल करना शुरू करेंगे, यानी इसे स्ट्रिप को हमारी हम फ्लावर का आकार देना शुरू करेंगे। थोड़ा पास करके आप रोल करेंगे तो ये एक के बाद एक नहीं आएंगी और ये ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को। ऐसा करिए कि ये ओवरलैप ना करें, इस तरह से शुरुआत करिए आप और इन्हें रोल करते चले जाइए। जैसे जैसे ये रोल करेगा ये फ्लावर का शेप लेता चला जाएगा। फ्लावर की शेप होने के बाद देखिए आती जा रही है ना ये फ्लावर की शेप। हम इसे इस तरह से रोल करते रहेंगे, ध्यान रखिए कि ये सारी साथ में रहे, ढीला ना हो आपका फ्लावर।
गीला होगा तो वो सुंदर नहीं लगेगा। गीला होता है तो दोबारा उसको टाइट करके ले लीजिए। और ये हुआ हमारा फ्लावर कंप्लीट। अब हम इसे सीलना है। हमने अपनी निडल में धागा लेकर इसको सीलना है। ये ध्यान रखना है कि पूरा अच्छी तरह से ये धागे के साथ टक हो जाए ताकि ये खुले नहीं। अगर ये अच्छी तरह से टक नहीं होगा तो ये खुल जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप ये ध्यान करें कि चारों तरफ से आप अच्छी तरह से सारा धागे में ले लें और इसको टाइट करके टक करते चले जाएं। चारों तरफ से टक होने के बाद ये आपका फ्लावर बिल्कुल तैयार है। देखिए सारे ढीला हो रहा है तो आप अभी तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर तक से सारी लेयर्स को हम इसे टक कर लिए। टक करने के बाद हमारा ये फ्लावर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों फ्लावर्स। देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए है या नहीं है सुंदर। इसकी पूरी लेयर्स बन रही हैं और बिल्कुल कटा हुआ फूल लग रहा है ये हमारा। अब आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह से इसे डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।